नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज चैटर में। दोस्तों, बेंगलुरु एयर शो की शुरुआत हो चुकी है और ये पूरी एशिया में होने वाला सबसे बड़ा एयर शो होने जा रहा है। और इसमें एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी शोकेस किया जाएगा और एक से बढ़कर एक वॉर मशीन को यहाँ पर दिखाया जाएगा, इसीलिए इस शो को सबसे बड़ा माना जा रहा है। कल यानी 3 फरवरी से इस शो का शुरुआत हो चुका है और 5 तारीख तक ये चलेगी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तीनों प्रमुख शामिल हैं और इस बार की एयर शो की मेन अट्रैक्शन है हल, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ लग रही है क्योंकि इस शो में एक से बढ़कर एक फ्यूचर वॉर मशीन को दिखाया जा रहा है। कैसे कैसे कौन सी चीज़ें भारत भविष्य में बनाने वाला है, लेकिन इस शो में जो मेन देखने की चीज़ है वो है एमका, क्योंकि एमका की लगभग सारी टेक्नोलॉजी बना ली गई है या फिर बनाने का प्रोसेस चालू है, इसीलिए सबका ध्यान इसी के ऊपर है। लेकिन अब इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है, खास करके सोशल मीडिया पर। एमका की जो मॉडल शोकेस किया गया है, कहा ये जा रहा है सोशल मीडिया पर कि वो भारत एमका की टेक्नोलॉजी चोरी करके बनाया है, रूस के SU-57 को कॉपी करके बनाया है। जैसे चाइना रूसी टेक्नोलॉजी कॉपी करके J-20 बनाया था, ऐसे ही भारत ने एमका में कार दिखाया है और भारत ने तो पेंट भी कॉपी कर ली है। लेकिन आपको बता दूं, कैमोफ्लेज कपड़े या पेंट इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को छुपाने के लिए और इसी वजह से एमका के ऊपर ये पेंट यूज़ किया गया है, ताकि भविष्य में जब किसी ग्राउंड पर ये तैनात हो तो इसे ऊपर से ड्रोन या बॉम्बर से आसानी से देख कर तबाह ना किया जा सके। एमका की इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।